होगा ये मैं जो बोल रहा हूं, एक ऐसे बालक जिनके पैदा होने के पहले मां बाप को जेल जाना पड़े, वसुदेव देवकी महाराज को जेल के अंदर 20 साल निकालना पड़े, कितना कठिन काल होगा। लेकिन और जिनके लिए बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद लोग उसको हवारी लग जाए इस डर के मारे छिपा के रखते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पैदा होते उफनती जमुना जी में जाना पड़े, और जो अपनी माँ का सगी माँ का तो दूध भी नहीं पी सके, कितना कष्ट होगा उसकी माँ को भी और उस बालक का, कितना बड़ा एक तरह से परीक्षा का समय होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे देश और देश तो क्या पूरी सनातन संस्कृति, इसी कारण से तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की संस्कृति मानी जाती है कि दुनिया की कितनी चुनौतियां हो, कितने ही कष्ट हो, हमारी सनातन संस्कृति ना झुकी है ना झुकेगी, ये हमें इस बात का गर्व है। भगवान राम का जीवन, पूरा का पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रहने का है। ये आज नहीं, 17 लाख साल पहले से भगवान राम का प्रादुर्भाव लगभग 17 लाख साल पहले माना गया, लेकिन 17 लाख साल के बाद भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ, तो जिनने मर्यादा तोड़ी उनको मर्यादा सिखाने का काम अगर किसी ने किया है, हमको गर्व है वो गोपाल कृष्ण भगवान है। जिनने अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा दिया, जिनके रोम रोम में धर्म समाया हुआ है, जो धर्म के अनुसार चलने के लिए मर्यादा में लोगों को रखना जानते हैं, जिनको कोई किसी प्रकार के भय नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़ी से बड़ी ताकतें, बड़ी से बड़ी सत्ताएं जिनके आगे बोनी लगती है, जिनके आगे छोटी लगती है, हमें इस बात का गर्व है। हाँ, हम उस वंश के हैं जहां हम अपने श्री कृष्ण से हमारा संबंध जोड़ते हैं, और आप कल्पना तो करिए कितने प्रकार से भगवान की परीक्षा हुई, लेकिन कोई एक परीक्षा में भगवान कमजोर हुए क्या? 11 साल की उम्र में कंस का नाश कर देते, लेकिन उसके बाद भी समाज के लिए शिक्षा का महत्व क्या है, यह हमको सीखने वाली बात है। भगवान आते तो वृंदावन गोकुल से है, उनकी उस समय तक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, लेकिन समाज में आज भी हम सबको इस बात का महत्व रखना है कि हमारे घर में शिक्षा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान ने सबसे पहले कंस के समापन के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं पकड़ी, लेकिन बगैर कुर्सी पकड़ने के उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भैया ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो सकता उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक आपकी छाती पे मूंग डल रहे थे, मेरे आगे दो चार लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास जाओ जिनके पास चार चार बार के मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, ये उनके पास जाके बताओ कि हाँ हमारा पुरुषार्थ पराक्रम क्या कह रहा है। आज के इस अवसर पर जो मैं आपके बीच बात करने आया हूं, मेरे पास तो दो ही बात है, अपने समाज के स्वजनों से मिलने का सुख भी है, और आपके सामने ये इतना बड़ा आकाश है जिनके माध्यम से हम अपने समाज को वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम निकल करके, कोई बात नहीं आराम से चलने दो भाई, भगवान कृष्ण की बात जहां आएगी वहां थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे अपने वंश में तो ये सामान्य बात है, अगर कुश्ती नहीं हो तो काय का यादव, लाठी में दम नहीं हो तो काय का यादव। अरे ये वो वंश है जो कालिया नाग के ऊपर भी कालिया नाग को बस में करके नृत्य करते हुए समाज में शांति का पैगाम देता है, हमें इस बात की प्रसन्नता है।
जो कालिया नाग की चुनौती से भी डरता नहीं है, जो इंद्र को चुनौती देता है, इंद्र से कहता है कि तू वर्षा कर ले, कष्ट लिया कितने ला सकता है, लेकिन ऐसे कष्टों के बीच भी सारे ग्वाल बाल सारे समाजजनों को ले जा करके सबके साथ खड़े होकर के जो मन में है वो अपने मन मस्तिष्क से समाज में स्थापित कर देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बदलते दौर में आज के समय में लोकतंत्र में मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको भी कि मैं जब आया था तो मुझे लगा था कि मैं जा रहा हूं वहां ऐसा माना जाता कि समाज का एक ही परिवार ठेकेदार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है समाज किसी का ठेकेदार वाले को व्यवस्था से अपने आप को बाहर लाता है, जिसकी अपनी स्वयं की पहचान है और यह होना भी चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है कि आपके यहां से निकला हुआ एक किसान परिवार का बेटा जिसने अभाव और कठिनाइयों से बड़ा, लेकिन अभाव और कठिनाइयों के बावजूद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं कोई दल विशेष का भी प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे परिवार वाले इन व्यवस्थाओं को जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर 8 साल वो दर्जा दिया राज्य मंत्री का 2003 से 2010 तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उतने पे नहीं रुकी, पार्टी ने फिर एक और बार मौका दिया 2010 से 2014 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष कैबिनेट का दर्जा देकर के मौका दिया। और मुझे इस बात का गर्व है मेरी पार्टी तो इतना अच्छा सोचती है, आप तो भाग्यशाली हो इतनी बड़ी आबादी इतनी संख्या में रहते हो, मेरी विधानसभा में तो अपने स्वजन 500 भी नहीं है 2,80,000 वोट में से, लेकिन सारा समाज साथ रहता है। मोदी जी खाली कहते ही नहीं है सबका साथ, खाली बोलते नहीं है तो ये गारंटी भी देते हैं कि मोदी की गारंटी है समाज में केवल 4 ही जातियां रहेगी। और हमने सबने देखा कि जहां 500 आबादी नहीं है वहां से मुझे एक बार नहीं 3-3 बार टिकट दे करके अपने समाज का गौरव बढ़ाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और एक इतनी बड़ी बात, अभी मुख्यमंत्री की तो बाद में बात कहूंगा, आमतौर पर जब अपने में से कोई मंत्री बनेगा तो मंत्री को क्या देंगे, खेलकूद मंत्री, कोई भी ऐसा पशुपालन विभाग, कोई और चीज, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे ही मैं दूसरी बार विधायक बना तो प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग का पूरा प्रभार मुझे दिया गया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ये हमारे समाज का गौरव, लगभग 4,000 रुपए ले, और उससे आगे बढ़कर मैं तो आपने टीवी में देखा भी होगा उस लाइन में भी नहीं बैठा था, लगभग आखिरी पंक्ति में बैठा। और हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, ऐसे आज से 15 साल पहले ऐसे यादव परिवार को उठा करके बाबूलाल जी गौर को मुख्यमंत्री बनाया था, और ऐसे कैसे इस बार मुझे सीधे सहज बोला, पहली बार तो मैंने भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मुख्यमंत्री कोई बनता तो बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत सारे विधायक का समर्थन होना चाहिए, बहुत सारे प्रकार के परिवार का बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे अपने परिवार में तो यह कुछ नहीं था, मेरे अपने परिवार से कोई दूसरा विधायक नहीं, मेरे परिवार से कोई सांसद नहीं, मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार के इस पहले राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उठा करके सीधा मुख्यमंत्री का जवाबदारी दी है, मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस बात को लेकर के कई लोगों के पेट दुख रहे हैं, लोग तो इतना ऊंचा सोचते हैं, मैं तो सोचता भी नहीं हूं, मुझे तो नाम लेने में भी कष्ट होता, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा संकोच करता हूं, क्योंकि हम जिनकी जय जयकार करते भगवान कृष्ण की, उन्होंने राजनीति को अपने घर में नहीं आने दिया,
लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे आने के पहले एक सभा करके जान करते इस सभा को बिगाड़ने का प्रयास कोई करता है, अपने लोगों को सावधान करने का प्रयास कर। अभी तो हमने कुछ किए ही नहीं है, अभी तो अपने लोगों से मिलने ही आए और निमंत्रण देने आए। भगवान ने जहां 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, 18 ही पुराण, कोई एक बालक 64 दिन में कैसा निष्णात हो सकता है? वो एकमात्र है वो यदुवंशी गोपाल कृष्ण, जिनने शिक्षा के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए कितने कम समय में जो ज्ञान अर्जित किया, वो हम सबको ज्ञान से जोड़ता है, शिक्षा से जोड़ता है। उसके माध्यम से हम संदेश में प्रत्येक परिवार में बच्चा हो या बच्ची, उसकी शिक्षा दीक्षा जरूर कराएं, पढ़ाई पे ध्यान दे। जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप से आज भी ये उदाहरण है, कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में सारी शिक्षा हुई हो और युद्ध के इतने भीषण माहौल में जब कौरव पांडव के आमने सामने की सेना थी, ऐसी भीषण सेनाओं के कोलाहल के बीच में भी जो युद्ध को रोकने के लिए जो अपने गुरुकुल में सीखा, जिनके मुंह से जो मंत्र निकले, जो शिक्षा निकली, आज भी 5000 साल बाद श्रीमद् गीता जी के लिए कोई विकल्प नहीं है। गीता के शब्द एक एक 18 अध्याय में जो कहे गए वो पूरे देश के लिए और देश तो क्या दुनिया के लिए, उससे पवित्र ग्रंथ कोई नहीं हो सकता है जो गोपाल कृष्ण ने अपने मुंह से बोला था। भगवान राम, भगवान कृष्ण जिनकी जय जयकार करते हम बात कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपको तो निमंत्रण दे रहा हूं मैं, आपने सारे स्वजाति बंधु, हमारा अपना देश, ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मौका मिला है कि हाँ हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, और इस निवासी होने के नाते से आज ये समय आया है कि कोई गरीब परिवार का, कोई यादव परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, कोई एक छोटी जाति का देश में प्रधानमंत्री बनता है, किसी प्रकार का व्यक्ति जिसमें योग्यता है उसको मौका मिलता है। आज मध्य प्रदेश में मौका मिला है, ये दूसरी पार्टी को सबक है। अब परिवार से बाहर देखो, कोई भी बन सकता है, किसी के लिए अवसर की कमी नहीं है। अब इस बात को देखने की जरूरत, हमारा मन खोलो, एक परिवार से बाहर आओ, एक परिवार के अंदर दरवाजा बंद करके अगर आप अपने परिवार को बढ़ाओगे तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब समाज आगे बढ़ाए और जिसको भी मौका मिले, लेकिन एक बात है, परमात्मा जब मौका देता है तो अवसर भी ढूंढता है, सुयोग्य व्यक्ति ढूंढता है। आज इसी कारण से दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है, दुनिया में हाहाकार है, लेकिन दुनिया के सामने भारत वो उदाहरण बन के खड़ा है, जिसके कारण से पूरी दुनिया की दृष्टि हमारे देश के प्रति है, पूरे दुनिया की दृष्टि अब अपने इन प्रदेशों की तरफ देख रही है, जो उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, बिहार हो सकता है। आज बड़े बड़े समाज हमारे इस भाव को लगातार जुड़ करके ताकत दे रहे हैं कि हाँ, कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में अपनी बात रखता है, वो किसी वंश का हो, किसी परिवार का हो, उसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये प्रश्न उठाने वाले तो भगवान कृष्ण के जीवन काल में भी उनके सामने प्रश्न उठाते थे। भगवान के कष्ट क्या थे? भगवान को कदम कदम पे इन्हीं चुनौतियों से सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे जीवन भगवान ने धर्म के मार्ग पे चलते चलते लगातार संदेश दिया, ये समाज धर्म के मार्ग पे चलने वाला समाज है, ये वंश भगवान कृष्ण की जय जयकार वैसे ही नहीं करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज आपसे मिलने का मौका मिला, आप सबको भी निमंत्रण देता हूँ, मौका पड़े तो मध्य प्रदेश जरूर आना, हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण की उस शिक्षा स्थली पे चल करके आनंद मनाएंगे। मेरी सरकार बनी, कुछ निर्णय लिए, और निर्णय लेने में कौन सा निर्णय था? सबसे पहला निर्णय किया हमने, कहा हमारे भगवान गोपाल कृष्ण उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए तो जिस जिस मार्ग से आए होंगे, जो जो लीलाएं हुई है, वो सारे के सारे स्थान तीर्थ के रूप में बदलेंगे, उन सबका स्थान अलग प्रकार से जाना जाएगा।
वो भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन होगा। वो रुक्मणी के साथ जो हरण के समय भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, धार के पास अमजेरा, वो तीर्थ बनाएंगे। वो जाना पाओ जहाँ भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया, वो जाना पाओ को तीर्थ बनाएंगे। ऐसे कौन कौन से स्थान हो सकते हैं? प्रत्येक स्थान को तीर्थ में सरकार के माध्यम से बनाएंगे, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और केवल भगवान कृष्ण के नहीं, भगवान राम के भी। हमको मालूम है अयोध्या में आनंद आया। अब चित्रकूट की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, और चित्रकूट वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण के पहले भगवान राम, क्योंकि एक तरह से माना गया दोनों अवतारी पुरुष एक ही है। तो भगवान राम ने चित्रकूट में 11 साल का समय गुजारा। चित्रकूट की धरती पर भी मध्य प्रदेश सरकार उसको भी तीर्थ बनाने के लिए, एक और थोड़ा उसमें पेच है, क्योंकि चित्रकूट आधा उत्तर प्रदेश में है आधा मध्य प्रदेश में। तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के चित्रकूट को भी अलौकिक धाम बनाएगी, उसके लिए भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। और केवल चित्रकूट क्यों, आपके भगवान बाल रूप में अपने अयोध्या में पुजाते हैं, तो राजा राम के रूप में ओरछा में उनकी मान्यता है। तो क्या ओरछा, क्या मैहर की माता, या कोई सा वो स्थान, प्रत्येक देवस्थान। और इतना ही नहीं, अपने समाज जन जो पिछड़े हैं, जो अन्य प्रकार की जातियां भी हैं, कोई बच्चा डॉक्टर वकील इंजीनियर इस देश में पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, 10 लाख की फीस देना हो, 15 लाख की फीस देना हो, अगर वो अपनी परीक्षा पास कर लेता है, सारा पैसा अपनी सरकार देगी, उसको डॉक्टर बनाने का अधिकार सरकार देगी। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर विदेश में भी जाएगा, और डॉक्टर वकील इंजीनियर MBA जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार उसकी पूरी फीस भरेगी। गरीब बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, ये हमारी सरकार का विचार है। अपने परिवार के बच्चे क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, केवल गरीबी के कारण वो छूटे, ये बात किसी को हजम नहीं होती, खास करके आज के समय में। मैं आपके बीच में केवल एक निमंत्रण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, कभी भी आपको मौका मिले, आप यहाँ खुशहाल रहे, आबाद रहे, लेकिन और आने वाले समय में अपने काम धंधे को फैलाना है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाई भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सदैव आपका स्वागत रहेगा, बार बार हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद होता रहेगा, और कोई किसी के पेट में दुखे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जब भी आप बुलाओगे आपका ही भाई हूँ, जब बुलाओगे दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।